नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जितने भी यहाँ पर बीएसटीसी के स्टूडेंट हैं, आप सभी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपका अंतिम दिन है कॉलेज में रिपोर्टिंग करने का, जितने भी यहाँ पर फिफ्थ लिस्ट के स्टूडेंट हैं। उसी के बाद में आपकी जो लास्ट काउंसलिंग है, साथ में सिक्स्थ लिस्ट को लेकर अपडेट है। साथ ही में कुछ छात्रों का ये भी कमेंट है कि जो सीटें बची हुई है वो कितनी बची हुई है। पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, यहाँ पर आपकी लास्ट डेट 19 तारीख थी, जिस तक आप अपने जो 22,000 रुपये है वो सबमिट करवा सकते थे, लेकिन आज आपकी तारीख हो चुकी है 20 तारीख की, यानी कि आज आपका अंतिम डे है और आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग 5 बजे से पहले पहले ही करवानी है। ठीक है, तो आप एक बार कॉलेज में जाना। कॉलेज में जाने के बाद में आपको वहाँ पर उपस्थिति पंजिका मिलेगी, उसमें अपना जो भी मतलब कि अपनी उपस्थिति वो दर्ज करवाना है। दर्ज करवाने के बाद में आपकी जो रिपोर्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी कॉलेज में। आज शाम 5 बजे तक आप रिपोर्टिंग करवा सकते हो। अब देखिए, इसी के बाद में कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर, जो ई पेपर में अपडेट आएगी या नोटिस आएगा वो कब तक आएगा, कि हमारी अंतिम काउंसलिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी। देखिए, आज आपका अंतिम दिन है, कल आपका नोटिस 100% जारी हो जाएगा, या तो किसी ई पेपर में जारी हो जाएगा या आपका नोटिस जारी हो जाएगा। ठीक है, अब उसी के बाद में यहाँ पर देखिए, कॉलेज लिस्ट के ऊपर अपन क्लिक करते हैं, तो अभी तक आपकी जो कॉलेज लिस्ट है वो अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि काफ़ी छात्रों को ये भी कमेंट रहता है कि सर, हम ये कैसे पता करें कि किस कॉलेज में कितनी सीटें यहाँ पर बची हुई है। अभी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टोटल सीटें यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में आपको शो हो जाएगा जैसे कॉलेज सीट, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा इस कॉलेज में 3 सीट बाकी है, 4 है 5 है 0 है 1 है 2 है, ऐसे सीटें यहाँ पर शो हो जाएगी, लेकिन अभी तक ये जो लिस्ट है वो अपडेट नहीं हुई है। अब उसी के बाद में रिफंड से रिलेटेड भी आपको अपडेट देने वाला हूं। देखिए, रिफंड से रिलेटेड ऐसे आपके सामने ऑप्शन आएंगे, जैसे लास्ट चांस फॉर अप्लाई रिफंड, तो यहाँ पर जैसे 2 ईयर पर क्लिक करेंगे, आप चाहे 4 ईयर के स्टूडेंट हो चाहे 2 ईयर के स्टूडेंट हो, आपके लिए दोनों के लिए एक ही साथ ही जो लिंक है एक्टिवेट होगा, और वहाँ पर लिंक इस प्रकार से आपको शो होगा अप्लाई फॉर रिफंड। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो अपने रोल नंबर, ID, आपका नेम, मदर नेम, DOB डालने के बाद में आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद में जो भी प्रोसेस रहता है वो फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म भरने के बाद में देखिए, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर भी कर दी थी कि जो छात्र मतलब कि कॉलेज नहीं जाता है, रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करवाता है, तो उसके 600 रुपये कट होते हैं, उसको 4400 रुपये रिफंड हो जाते हैं। अगर किसी को बाय चांस किसी ने काउंसलिंग करवा ली, काउंसलिंग करवाने के बाद में भी उसको कॉलेज अलॉट नहीं होती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो उसके नंबर कम हो सकते हैं या और कोई कारण हो सकता है, तो उसको ओनली 4800 रुपये मिलेंगे, उसके जो 200 रुपये है वो कट हो जाते हैं। और ये जो रुपया मिलेगा, जो आपको ये राशि मिलेगी, वो 5 से 6 महीनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, और यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल आपको देनी पड़ेगी जब लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, तो आगे प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये बात आपकी हो गई कंप्लीट। अब देखिए, आपकी कट ऑफ को लेकर मैंने आप सभी छात्रों को क्लियर भी कर दिया था। देखिए, जैसे आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स की आपकी कट ऑफ जैसे 277 के अप्रोक्स रही थी, 275 के अप्रोक्स आपकी कट ऑफ रही थी, और साइंस की बात करें तो साइंस की कट ऑफ आपकी 340 के लगभग रही थी। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था। अब देखिए, सीटों का कोई कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, जैसे 2166 आपकी टोटल सीटें थी जो कि फोर्थ लिस्ट में थी। अब फोर्थ लिस्ट का अपवार्ड भी जारी हुआ है, तो अपवार्ड रिजल्ट में भी काफ़ी सीटें यहाँ पर चाहिए होगी, तो उनमें भी काफी सीटें लगी होगी, जैसे 100 सीटें 200 सीटें, क्योंकि कॉलेज चेंज होती है तो दूसरी कॉलेज मिलेगी, तो सीट भी तो वहां पर भरेगी। ठीक है, और इसी के साथ में फिफ्थ लिस्ट में भी सीटें चाहिए होगी, तो आपकी अप्रोक्सली मुझे जहां तक पता लग रहा है कि 400-500 सीटें आपकी बची होगी अभी तक है। तो आपका जो अंतिम काउंसलिंग है वो जल्दी स्टार्ट होगा। वो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि आप जैसे स्क्रीन पर देख भी सकते हो, यहाँ पर जो 4 ईयर के स्टूडेंट थे उनके लिए यहाँ पर मौका दिया गया था, जैसा कि एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, तो उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ से करते हैं अपन बैक करने के बाद में आपको यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा 4 ईयर के लिए। 4 ईयर के लिए जैसे यहाँ पर देख सकते हो, लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का आपको नोटिस हो जाएगा। ये नोटिस आपका जैसे 2 ईयर के लिए भी आएगा, तो थोड़ा पेशेंस रख के, जल्दी ये नोटिस आने वाला है। जब भी आएगा सबसे पहले अपडेट आपको मैं ही देने वाला हूँ। बाकी इस नोटिस में क्लियरली आप देख सकते हो, 4 वर्षीय
जैसे 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया अंतिम चरण है। इसमें क्लियरली देख सकते हो प्रवेश ले चुके विद्यार्थी इस चरण में भाग लेने हेतु पात्र एलिजिबल नहीं है, ठीक है। मतलब कि जिनको कॉलेज वगैरह अलॉट हो गई है तो वो दोबारा से काउंसलिंग नहीं करवा सकते, ठीक है। ये तो काउंसलिंग आपकी दोबारा से होगी जिसको आप अंतिम काउंसलिंग बोल सकते हो। इसमें सेमी प्रोसेस रहेगा, उसमें 5,000 यानी काउंसलिंग के लिए भी डेट दी जाएगी, साथ में आपको अपनी फीस सबमिट करवाने के लिए भी डेट दी जाएगी, आपकी फर्स्ट लिस्ट भी आवंटित होगी उसकी भी डेट आएगी, साथ में जो फीस रहेगी 22,000 वो भी सबमिट होगी उसकी भी डेट दी जाएगी, कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी उसकी भी डेट दी जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जाएगी आप पे, नो टेंशन रहिए। बाकी रिफंड से रिलेटेड भी यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर भी कर दिया था, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसा कुछ आपका प्रोसेस रहेगा जो कि मैंने आपको फर्स्ट में ही बोल दिया था कि जैसे 4800 रुपये उनको रिफंड होगा और 4400 रुपये उनको रिफंड होगा। अब ये बात हो जाती है आपकी क्लियर। इसके बाद में जैसे आपकी टोटल 27,000 फीस रहती है, 5,000 की आपकी काउंसलिंग हो जाती है और 22,000 रुपये आपके सबमिट होते हैं, तो 27,000 रुपये आपके टोटल लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके क्लियर हो चुकी है, बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल पर यूं ही बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।